ऑल टीचर्स अप्लायंस वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा इटावा के तत्वाधान में आज कंपनी गार्डन में अटेवा के पदाधिकारियों ने बैठक कर 21 नवंबर 2021 रविवार को इटावा में भारी संख्या में सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी अधिकारी लखनऊ इको गार्डन पहुंचने की सुरक्षित रणनीति तैयार की है बैठक की अध्यक्षता मधु श्रीवास्तव ने की लखनऊ चलने के लिए ज्यादातर साथियों ने अपने सीट बस में अटेवा पदाधिकारियों से रिजर्व करवा ली बुकिंग अठारह तारीख को बंद कर दी जाएगी इसके बाद कर्मचारी अपने निजी साधन से इको गार्डन पहुंच पाएंगे जिला पर्यवेक्षक राजेश जाधव ने सभी शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों से इक्कीस नवम्बर को लखनऊ ज्यादा से ज्यादा संख्या में चलने की अपील की है जिला अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षकों के अलावा माध्यमिक शिक्षक भी सैकड़ों की संख्या में लखनऊ पहुंच रहे हैं अन्य विभाग जैसे फार्मासिस्ट एसोसिएशन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन पीडब्ल्यू सिंचाई विभाग लेखपाल ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी संघ सैफई आयुर्वेद संस्थान कर्मचारी संघ नर्सेस एसोसिएशन पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ तमाम अन्य संगठनों के कर्मचारी साथ ही बड़ी संख्या में लखनऊ रैली में शंखनाद करेंगे डॉक्टर लवकुश जटवानी को रैली प्रभारी राघवेंद्र मौर्य को वाहन प्रभारी बनाया गया इक्कीस नवंबर को सभी बसें सुबह छह बजे शास्त्री चौराहा इटावा से लखनऊ के लिए रवाना होंगी। बैठक में विनोद राजपूत अजय पटेल वीरेंद्र यादव मोहम्मद काशिफ राजेश यादव आलोक चौहान फरकान, अरविंद यादव ब्रजेंद्र सलीम राम विलास मनोज यादव विवेक गुप्ता यतेन्द्र विजय पटेल कपिल रवि यादव तपन तेज सिंह दिलीप यादव अहेरिया वाले रईस अहमद मौजूद रहे ब्यूरो रिपोर्ट तेजस खबर